नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रूस के द्वारा भारत को ऑफर किए गए एक खास तरह के रडार के बारे में, जो कि बेहद अत्याधुनिक है और ये स्टेल्थ विमानों के खिलाफ भी कार्य करता है, जिसका नाम प्रिमा रडार है। और इसे इस साल 2021 के जो एरो इंडिया शो है बेंगलुरु में होने वाला है, उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। और रशिया भारत को इस बात के लिए पिच कर रहा है कि वो इस तरीके के एडवांस रडार को जरूर ले। हालांकि क्या खासियत है, क्या है ये सारी चीजें, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस ने कहा कि हम भारत को अपने प्रिमा मोबाइल रडार को बेचने के लिए उत्सुक हैं। इस रडार की सबसे खास क्षमता ये है कि ये लो विजिबल टारगेट्स, खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। P-18-2 प्रिमा हाई मोबिलिटी 2G सर्विलांस एंड एक्विजिशन रडार, जिसे की बनाया है PGSC-NITL और PGSC-NPO अल्माज ने। ये सॉलिड स्टेट रडार आधुनिक हार्डवेयर कंपोनेंट और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें हाई एनर्जी पोटेंशियल है और बढ़ी हुई प्रतिरक्षा है। इस रडार को डिजाइन किया गया है खास करके डिटेक्शन, ट्रैक, लोकेट और एयर टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही जैमिंग और क्लटर इन्वायरमेंट, यानी कि जहां पर अलग अलग तरीके के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उसमें ये बेहतर तरीके से काम करता है। साथ ही ये मित्र या दुश्मन दोनों की पहचान कर सकता है और लगातार अपनी फीड ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में भेजता रहता है। P-18-2 को बाजार में उपलब्ध अधिकांश अन्य रडार से अलग किया गया है, जो कि एक गतिशील वाहन पर सभी उपकरण और एंटीना पोस्ट की स्थापना करता है। इसे दो लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इसे वेल इक्विप्ड कैबिन और रिमोट वर्क स्टेशन, यानी कि दोनों से ही संचालित किया जा सकता है। इस रडार का सबसे खास फीचर है हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन। इसे केवल 5 मिनट में कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। प्रिमा रडार VHF बैंड पर कार्य करता है, जो किसी भी विमान का पता लगाने में सक्षम है, जिसमें खास करके स्टेल्थ विमान शामिल हैं। इसकी कवरेज 320 किलोमीटर से अधिक है और ऊंचाई वाली जो कवरेज है, यानी कि एलिवेशन कवरेज है, वो 45 डिग्री की है और इसकी मिनिमम डिटेक्शन रेंज 500 मीटर की है। इसे बनाने वाले डेवलपर्स ने इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है। खास तरीके की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं, ताकि ये किसी भी तरीके के जैमिंग एनवायरमेंट में कार्य कर सके, चाहे वो डिफिकल्ट टेरेन हो या फिर प्रतिकूल मौसम हो। इसीलिए इसके डेवलपर्स ने कई नई टेक्नोलॉजी समाधान यहाँ पर पेश कर रखे हैं। आपको बता दें कि ये रडार किसी भी तरीके के क्लटर एनवायरमेंट में आसानी से लो स्पीड और लो विजिबिलिटी टारगेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इस रडार को इक्विप किया गया है एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट से, खास करके ग्लोनास ऑब्लिक GPS सिग्नल से, जो कि इसे ऑटोमेटिक पोजीशन प्रदान कराता है। साथ ही इसमें बिल्ट इन डीजल पावर प्लांट है और पावर टेक ऑफ जनरेटर भी। इसके अलावा इसे कनेक्ट किया जा सकता है 3-phase जनरल पर्पस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से भी। साथ ही ग्राहक के अनुरोध पर, यानी कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पर, स्टैंडर्ड डीजल जनरेटिंग सेट को चेंज या रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि वे खुद के अपने डीजल जनरेटिंग सेट से इसे बदल सकते हैं। इसी तरीके से रडार बेस्ड व्हीकल के चेसिस को भी आसानी से रिप्लेस करने की व्यवस्था है। दोस्तों इस बारे में दो राय नहीं है कि भारत आज भी रशियन हथियारों पर भरोसा करता है और रशिया अत्याधुनिक हथियारों को लगातार बना रहा है और इसमें खासकर स्टेल्थ विमान को जो पकड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि उनको डिटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में अगर भारत इस तरीके के रडार को लेता है, खासकर कि जिस तरीके से हमारे LAC पर तनाव चल रहा है, वहां पर इस तरीके के रडार जो कि 5 मिनट में डिप्लॉय किए जा सकते हैं और चीन से किसी भी तरीके के एरियल थ्रेट्स के लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि भारत की भी कोशिश रहेगी कि अगर रशिया इसका दाम उचित मूल्य पर लगाता है तो इसको डेफिनेटली खरीदा जाएगा और ये भारत की एक तरह से एयर डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है P-18-2 प्रिमा हाई मोबिलिटी 2G सर्विलांस रडार के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि क्या भारत को इसकी जरूरत है या भारत को इसको खरीदना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।